हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग एक स्पेशल रेसिपी वीडियो देखने वाले हैं। आप लोग एकदम हैरान होंगे कि कैसे इस चैनल में आपको ये क्या देखने मिल रहा है। एक्चुअली गाइस, लास्ट आप देखेंगे कि एक मैंने रेसिपी की वीडियो डाली थी मटन हांडी कबाब की, तो उस पर बाय गॉड बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, अच्छे रिस्पॉन्स मिले, तो व्यूवर्स ने कहा कि आप वापस एक रेसिपी की वीडियो डालिए। तो इसलिए आज मैं अपनी मम्मी के साथ उनका हेल्प लेके एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी बेहद ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें। ओके, तो गाइस आज का जो टॉपिक है, जो रेसिपी वीडियो है, वो है दाल फ्राई। जो हमारी टूअर दाल होती है ना, वो दाल फ्राई कैसे आपको बनाना है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है ये सोख दाल, ठीक है। ये 250 ग्राम सोख दाल है और यहाँ पे आपको इसको हाफ एन आवर पानी में भिगो के रखना है, ठीक है। सोख करके रखना है, उसके बाद आपको इसका पानी अलग कर देना है। आप देख सकते हैं कि एकदम, जब मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ कि ये सोख्ड है, पूरी तरीके से सोख हो चुका है। हाफ एन आवर इसको आपको पानी में सोख करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राई मसाले में। आपको सिर्फ दो ही ड्राई मसाले लेना है, आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें लेना क्या क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लेना है ये टर्मरिक पाउडर, ये आपको 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लेना है। उसके बाद आपको लेना है सॉल्ट, 1 टेबल स्पून सॉल्ट लेना है। और सॉल्ट आपको ध्यान रखना है एज़ पर जो टेस्ट लेना है, आपके स्वाद अनुसार लेना है। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया, आपको चाहिए तो आप भी 1 टेबल स्पून ले सकते हो, नहीं तो आपको आपके स्वाद अनुसार लेना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये लहसुन है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हमारा गार्लिक, ओके। और ये ग्रेटेड गार्लिक है, ग्रेटेड मतलब जो हिंदी में हम कद्दूकश कहते हैं ना, जो हम कद्दूकश करते हैं, तो ये वो है। आपको क्या करना है, इसको 5 to 6 लहसुन लेना है, छोटे मीडियम साइज़ के लहसुन लेना है और उसको ग्रेटेड करना है, आपको उसको कद्दूकश करके डालना है। अब आप सोचेंगे कि इसको कट करके क्यों नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि देखो कैसा है ना, ये ग्रेटेड जो लहसुन का जो ये इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हो, इससे जो दाल में जो वो आता है ना, टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ये गाइस आपको दाल में फ्राई करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। दिस यू हैव टू यूज फॉर लाइक टू फ्राई योर दाल, ओके। दिस इंग्रेडिएंट यू हैव टू यूज टू फ्राई योर दाल, ओके। तो इसमें क्या क्या लगेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये लहसुन है आपका, ठीक है, ये चॉप लहसुन है, 5 to 6 चॉप लहसुन रखने हैं आपको ये, ठीक है। ये आपको कितने रखने हैं, 5 to 6 चॉप लहसुन। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको लेना है वो यहाँ पे आपका ये सूखा जो मिर्चा होता है ना, सूखी मिर्ची, रेड सूखी मिर्ची, वो आपको लेना है, 2 से 3 आपको ये सूखी मिर्ची लेना है, ठीक है। ये आपका जो धनिया होता है वो है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी धनिया लिए के रखी है और उनको अच्छे से मैंने काट दिया, चॉप कर दिया है, ठीक है। ये आपकी चॉप धनिया है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको जो लास्ट में लेना है वो आपको घी लेना है, ठीक है, जो लास्ट में आपको काम आएगा, आपको जो तड़का लगाने के लिए, जो मैं बोल रहा था ना आपको फ्राई करने, उसके लिए आपको काम आएगा, ठीक है। तो होप्स आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि कैसे इसका स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने की, पहले आपको क्या डालना है फिर क्या डालना है, ठीक है, तो हम वो स्टार्ट करें। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या, आपको एक कुकर ले लेना है और कुकर के अंदर आपका जो ये दाल है, जो आपने सोख दाल है आपकी, ठीक है, वो उसके अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी मम्मी यहाँ पे आप ये सोख दाल इसके अंदर डाल रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे जो सोख दाल थी वो कुकर के अंदर डाल चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, वो आपको डालने हैं ड्राई मसाला। तो अभी सबसे पहले आप यहाँ पे नमक को डाल दीजिए और नमक को डालने के बाद आप ये हल्दी इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। आपको याद रखना है नमक आपको सॉल्ट लाइक आपके टेस्ट के अनुसार लेना है और यहाँ पे हल्दी आपको लेना है 1 टीस्पून, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे डालना है ये जो हमारे लहसुन था, ठीक है, ये जो ग्रेटेड लहसुन था, ये आपको यहाँ पे इसके अंदर डालना है, ठीक है। ये गार्लिक आपको, ये ग्रेटेड गार्लिक इसके अंदर डाल देना है और डाल के आपको एक बार थोड़ा अच्छे से उसको मिक्स कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से थोड़ा मिक्स हो रहा है, ओके ओके गाइस। तो उसके बाद आपको ना यहाँ पे तेल डालना, ऑयल जो है आपका वो यहाँ पे इसके अंदर आपको डाल देना, और ये आपको डालना है 1 टेबल स्पून डालना है आपको, ठीक है। या अगर आपको ज़्यादा लगता है तेल तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको ये 1 टेबल स्पून डालना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको यहाँ पे वाटर लेना है, और यहाँ पे जो वाटर है गाइस आपको, ठीक है, ये आपको इसके अंदर दाल के अंदर डाल देना है। अब आपको वाटर कितना लेना है, वाटर ना आपको ना
जो आपकी दाल में जो कुकर रहेगा, कुकर में आपकी जो दाल रहेगी वो ऐसा होना चाहिए कि 1 इंच आपका दाल छुप जाना चाहिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि दाल के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो ऐसा हो गया कि 1 इंच छुप चुकी है, ठीक है, 1 इंच ज़्यादा ही है, ठीक है, 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए आपका ये जो वाटर है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि मैंने इतना पानी डाला, तो इतना ही पानी आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके दाल के जो कुकर के अंदर जो दाल है उसके अंदर डालना है, ठीक है। 1 इंच आपका जो क्वांटिटी है, जो लेवल है वो आपका ऊपर इंक्रीज रहना चाहिए, ठीक है, उतना पानी आपको यहाँ पे डालना है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस, अब मैंने इसको पकाने के लिए तैयार कर दिया है। मैंने इसको ऊपर इसका जो ढक्कन है उससे मैंने इसको छुपा दिया है। अब आपको ये गैस के स्लो फ्लेम में ऑन करना है और आपको इसमें 2 फास्ट सीटी लगानी है और 1 आपको स्लो फ्लेम पे सीटी लगानी है, ठीक है। मतलब आप समझ गए ना कि आपको तेज़ आंच पे, मतलब तेज़ फ्लेम पे 2 सीटी लगानी है और 1 सीटी आपको स्लो फ्लेम में लगानी है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी दाल पूरी अच्छी तरीके से पक जाएगी ना, कच्ची रह जाएगी और आपको वापस से उसको कुकर में सीटी लगाना पड़ेगा। ओके ओके गाइस, तो अब हमारी दाल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आपको चाहिए तो मैं एक बार वो लिड खोल के दिखा देता हूँ कि आपकी दाल जब पक जाएगी तो आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको मिक्स कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट है, जो लास्ट स्टेप है, वो हमें करना है दाल में तड़का लगाना है। तो उसके लिए हमको क्या कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसी के अंदर आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो दाल फ्राई में आपको काम आएंगे वो आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो ये कढ़ाई को आपको एक स्लो फ्लेम पे थोड़ा इसको हीट कर देना है कढ़ाई को, ताकि जब आप इसको अंदर घी डालें तो अच्छे से आपका वो मिक्स हो जाए आपके कढ़ाई के साथ, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है मेरी, अब इसमें मैं क्या डालूँगा, घी डालूँगा, ठीक है गाइस। देसी घी डालेंगे और वो आपको लेना है 4 चम्मच देसी घी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मम्मी आप यहाँ पे स्टार्ट करें डालना, और ये हो गया आपका 1 चम्मच, ये हो गया आपका 2nd, 3rd, नेक्स्ट इज 4th, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 टेबल स्पून आपका जो देसी घी है वो आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसको थोड़ा गर्म होने देना है ताकि आप जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालें वो अच्छे से इसके अंदर पक जाए, ठीक है। ओके गाइस, तो अब बारी बारी आपको ये इंग्रेडिएंट डाल देना है। यहाँ पे जो लहसुन था, ये जो आपका गार्लिक था, ये आपको पहले डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये डालने के बाद आपको थोड़ा इसको मिक्स कर देना है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये जो मिर्ची थी आपकी सूखी मिर्ची, आपको इसको बीच से थोड़ा ब्रेक करके इसको 2 पीस में डिवाइड कर देना है और इसको अंदर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 2 से 3 पीस इसको कर सकते हैं आपके हाथ से। इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि इसका फ्रेगनेंस आए, इसका फ्लेवर है, आपको स्मेल आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इसको गाइस कंटिन्यूसली 1 से 2 मिनट तक भूनना है, ठीक है। आपका जो ब्राउनिश कलर हो जाना चाहिए लहसुन जो है आपका, ठीक है। वैसे तो आप देख सकते हैं कि आपका ये तड़का तैयार हो चुका है, यहाँ पे ये ब्राउन निश कलर भी हो चुका है। अब यहाँ पे ये दाल को आपको इसके अंदर डालना है और स्लोली स्लोली आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। थोड़ा सेफ्टी के साथ आपको करना है ये। वाह, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मुझे तो होटल की दाल जैसी लग रही है। देख सकते हैं ये दाल को मैंने जो तड़का जो मैंने फ्राई किया था उसके अंदर ये दाल को मैंने मिक्स कर दिया है और यहाँ पे बहुत अच्छे काफ़ी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको आपको कम से कम, आपको इसको 1 मिनट तक कम से कम स्लो फ्लेम पे आपको, ठीक है, स्लो फ्लेम पे आपको इसको मिक्स करते रहना है। ओके, 1 मिनट तक आपको खाली हार्डली इसको स्लो फ्लेम पे मिक्स करते रहना है। अब आप देख सकते हैं 1 मिनट मेरा हो चुका है, 1 मिनट तक मैंने स्लो फ्लेम पे इसको मिक्स कर दिया। एंड द लास्ट स्टेप इज़ व्हाट यू हैव टू और दिस, आपका जो धनिया था चॉप धनिया, वो आपको इसके अंदर गार्निश के लिए पोर करना है आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसी हिसाब से आपको यहाँ पे ये डाल देना है। ओके, ये आप देख सकते हैं एकदम होटल जैसा आपको ये दाल लगेगा, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगने वाला है।
आप ज़रूर इसे बना के, आपको ये कैसा लगा, आपको टेस्ट में कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। और आप ख़ुद भी इवन ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लजीजदार आपकी ये दाल है, एकदम मस्त है ये, टेस्ट में बहुत अच्छी है, पूरी तरीके से आप पक चुका है। अब आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे आप रोटी के साथ खाएं, चाहे आप दाल के साथ खाएं, तो ये किसी के साथ भी आप खा सकते हैं लाइस, ठीक है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और रेसिपी की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के सेंड करें, एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एक थैंक्स गाइज मेरी मम्मी के लिए भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, क्योंकि ये पूरा मेहनत उनका ही है। आप जो भी एक्शन देख रहे थे, मूवमेंट्स हाथ के, वो सारे मेरी मम्मी के ही थे, उनका बहुत क्रेडिट है इस वीडियो में, उन्होंने पूरी हेल्प की है मुझे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।